नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज सुबह से ही लोगों की नजर यासीन मलिक पे आने वाले फैसले पर थी। पहले कहते 3:30 पर कोर्ट का फैसला आना था, पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और लंबे इंतजार के बाद में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एनआईए की एक विशेष अदालत ने कश्मीर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाई। यासीन मलिक को कुछ दिन पहले ही एक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था। प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आरोपों में दोषी ठहराया था। यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। उसने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सुनवाई की आखिरी तारीख को उसने अदालत को बताया कि वह धारा 16 आतंकवादी अधिनियम, 17 आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत के लिए साजिश रचने, UAPA की धारा 20 एक आतंकवादी ग्रोह का संगठन या सदस्य होने के नाते और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 124 ए देशद्रोह समेत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों में मुकाबला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मलिक पर जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलने, एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या करने, हाफिज सईद से लिंक होने के भी आरोप थे। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को इन सेक्शंस के तहत दोषी ठहराया। UAPA कानून की धारा 16 आतंकवादी अधिनियम, UAPA की धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, UAPA की धारा 18 आतंकवादी कृत करने की साजिश, UAPA की धारा 20 एक आतंकवादी ग्रोह या संगठन का सदस्य होने, यासीन मलिक के अलावा शब्बीर शाह, मसरत आलम एवं पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह बटाली समेत अन्य कई कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, जिन पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोपों के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। ये मामला विभिन्न आतंकी संगठनों लश्करे तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जैश ए मोहम्मद से संबंधित है। ये जम्मू कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए आतंकवादियों और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की डिक्लेयर करने में कुछ टाइम लगा। यासीन मलिक को कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट रूम लाया गया। जज के आने का काफी टाइम तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद में कहते ये फैसला हुआ कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यासीन मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सुबह से ही ट्विटर पर कई पाकिस्तानी नेता, वहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और जितने राजनेता हैं, सबके आक्रोश देखने लायक थे। सभी की तिलमिहाट साफ नजर आ रही थी। धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह से आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाई जा रही है, न सिर्फ सरकार बल्कि सेना भी अपने ऑपरेशन के तहत कहते आतंकवाद को वहां पर पनपने नहीं दे रही है। जिस तरह से सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार कहते वहां पर आतंकवादी और आतंकवाद में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से कश्मीर का माहौल बहाल करने के लिए, वहां पर एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वहां पर चैन सुकून से रह सकें और वहां पर जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार लाए और वहाँ पर जो रोजगार है उसको भी एक पंख मिले, वहाँ पर लोग इन्वेस्टर्स आए, वहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि कश्मीर का एक माहौल बहुत अच्छा, जिस तरह का खूबसूरत कश्मीर है उसी तरह का वहाँ का माहौल बनाए जाने का प्रयास कहते हैं मोदी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। यासीन मलिक की सजा के फैसले पर आज शायद कश्मीरी पंडितों में कुछ राहत और कुछ सुकून तो होगा। इतने लंबे इंतजार के बाद में कुछ हद तक उनका दर्द कम हुआ। उनको इंतजार था कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए, पर कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी है। यासीन मलिक की सजा से बहुत सारे आतंकवादियों का मनोबल तो जरूर टूटेगा और साथ ही उनको ये भी होगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वो भले ही पॉलिटिकली एक्टिव रहे हों या पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हों, पर अपराध तो अपराध है, अपराध के लिए सजा तो ज़रूर मिलेगी।